मुंबई के 26/11 हमलों के एक आरोपी को जल्द ही अमेरिका से भारत लाया जाएगा। अमेरिका की एक अदालत ने हाल ही में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। बता दें कि 62 साल के तहव्वुर राणा अमेरिका की जेल में बंद है। इस मामले में कैलिफोर्निया की कोर्ट ने कहा है कि अमेरिका की जेल में बंद 26/11 हमले में वांछित राणा को भारत भेजा जा सकता है। बताया जा रहा है कि भारत ने प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए 10 जून 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद अमेरिका की बाइडेन सरकार ने भी राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दे दी। मंजूरी देने से पहले यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की यूएस मजिस्ट्रेट जज जैकलिन चुलजियान ने सभी दस्तावेजों की अच्छे से समीक्षा की। उन्होंने सभी दस्तावेजों के साथ साथ तर्कों पर भी विचार किया। इसके बाद मंगलवार को यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया ने 48 पन्नों के अदालती आदेश में तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात कही। जज जैकलिन चुलजियान की अदालत ने 16 मई को अपना आदेश देते हुए कहा कि 62 वर्षीय राणा उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण योग्य है जिनमें उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है। साथ ही अमेरिका सरकार ने जोर देकर कहा कि राणा साजिश का हिस्सा था और उसने एक आतंकी कृत्य को अंजाम देने का बड़ा अपराध किया है। बता दें कि साल 2008 में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा मुंबई के ताज होटल समेत अन्य जगहों पर किए गए हमलों में राणा की भूमिका की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कर रही है।